वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 प्लेयर्स की, जिसको आईपीएल टीम्स अपने टीम में लेने के लिए आईपीएल 2019 के ऑक्शन में पूरा दमखम लगा सकती है, और इन प्लेयर्स को आईपीएल 2019 में सबसे ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। ये उन प्लेयर्स की लिस्ट है जो या तो पिछले साल अनसोल्ड रहे थे, या तो वो इंजरी के कारण उन्हें रिप्लेस किया गया था, या फिर वो प्लेयर जिसको आईपीएल टीम 2019 के लिए रिलीज़ कर सकती है। इस लिस्ट में नंबर 10 में आता है जॉनी बेस्टो का नाम। जॉनी बेस्टो आईपीएल 2018 में अनसोल रहे थे, और इसका कारण उनकी फॉर्म नहीं बल्कि उनके डोमेस्टिक कमिटमेंट्स थे। वो अभी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स हैं। हार्ड हिटिंग और अपने एग्रेशन के लिए जाने जाने वाले जॉनी बेस्टो को दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स टारगेट कर सकती है, और पूरे आसार है कि उन्हें कम से कम 4 या 5 करोड़ रुपए दे सकती है। नंबर 9 में आता है गौतम गंभीर का नाम। गौतम गंभीर के साथ जिस तरह आईपीएल 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने बिहेव किया, उससे ये बात तो पक्की है कि उनको दिल्ली डेयरडेविल्स जरूर रिलीज़ करेगी आईपीएल 2019 में। उन्हें आईपीएल 2018 में भी सिर्फ 2.8 करोड़ में ख़रीदा गया था, लेकिन इस बार किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स इन्हें जरूर टारगेट करेंगे, क्योंकि उनके पास अभी ऑप्शन कम है। दोनों को ही अभी कैप्टन की ज़रूरत है, और गौतम गंभीर को ये टीम्स 3 से 4 करोड़ दे सकती है। नंबर 8 में आता है शॉन मार्स का नाम। शॉन मार्स भी आईपीएल 2018 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन हैरानी तब हुई जब राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों में से किसी ने भी उन्हें एज ए रिप्लेसमेंट नहीं बुलाया। वो एक मैच विनर है, और उन्हें सिंगल हैंडेडली किंग्स इलेवन पंजाब को बहुत सारे मैच जिताते हुए देखा है। आईपीएल 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स इलेवन पंजाब इन पर 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ की बोली लगा सकती है। नंबर 7 में आता है सरफराज खान का नाम। सरफराज खान को आरसीबी ने आईपीएल 2018 में रिटेन किया था। तब सबका मानना था कि अगर सरफराज खान चल गए तो उनकी इंडियन टीम में एंट्री पक्की है, लेकिन वो नहीं चल पाए, और इस कारणवश आईपीएल 2019 में आरसीबी इन्हें रिलीज़ कर सकती है। अगर यह प्लेयर रिलीज हुआ तो किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स जरूर इस पर बोली लगाएंगे, और इनमें 3 से 4 करोड़ की बोली लग सकती है। नंबर 6 में आता है केमार रोच का नाम। केमार रोच राइट हैंड के फास्ट बॉलर हैं। वो अभी बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। उनकी बैटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे बॉलिंग कर सकते हैं। वो वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी हैं। आईपीएल 2019 के ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स और सीएसके इस प्लेयर पे 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ तक की बोली लगा सकती है। टॉप 5 में पहला खिलाड़ी आता है कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा को आईपीएल 2018 में इंजरी के कारण लुइन प्लम के दिल्ली डेयरडेविल्स ने रिप्लेस किया था। आईपीएल टीम जैसे कि कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और यहां तक कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को आईपीएल 2018 में फॉरेन फास्ट बॉलर की कमी खली थी, और आईपीएल 2019 में यह 4 टीम जरूर रबाडा के पीछे जाएगी, और रबाडा को लगभग 5 करोड़ की बोली लगेगी। नंबर 4 में आता है केदार जाधव का नाम, जिन्हें आईपीएल 2018 में चोट के कारण डेविड विली से रिप्लेस किया गया था, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में सीएसके को केदार जाधव की गैरमौजूदगी नहीं खली। आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब, जिन्हें मिडिल ऑर्डर में काफ़ी परेशानी हुई थी, साथ साथ सनराइजर्स हैदराबाद इनके पीछे आईपीएल 2019 के ऑक्शन में जाएंगे, और हो सकता है कि वो आईपीएल 2018 के हाईएस्ट पेड इंडियन प्लेयर भी बन जाए। अब आता है टॉप 3 प्लेयर्स की बारी। नंबर 3 में आता है स्टीव स्मिथ का नाम। स्टीव स्मिथ को आईपीएल 2017 में बैन के कारण हेनरी क्लासेन से रिप्लेस किया गया था। हालांकि अभी वो इतने अच्छे T20 बैट्समैन नहीं है, लेकिन अगर हम आईपीएल टीम जैसे कि किंग्स इलेवन पंजाब और इनकी पुरानी टीम राजस्थान रॉयल्स की बात करें, तो वो स्टीव स्मिथ की कैप्टेंसी का फ़ायदा आईपीएल 2019 में ज़रूर उठाना चाहेगी, और इन्हें लगभग 7 से 8 करोड़ तक बैट लगेगी। नंबर 2 में आता है ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का नाम, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2018 में इंजरी के कारण टॉम कुरन से रिप्लेस किया था। केकेआर, सीएसके और राजस्थान रॉयल्स को अभी एक फॉरेन फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत है, और मिचेल स्टार्क एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, और इन्हें 8 से 9 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। अब बारी आती है नंबर 1 की।
नंबर वन प्लेयर का नाम लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह प्लेयर आईपीएल 2019 का सबसे महंगा प्लेयर होगा और इस प्लेयर का नाम है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर को अपनी टीम में लेने के लिए एसआरएच के साथ साथ किंग्सलैंड पंजाब, दिल्ली डेयरडेविल्स, आरसीबी, यहां तक कि राजस्थान रॉयल्स भी उन पर बोली लगाएगी। IPL 2017 में डेविड वार्नर ने टावरडोर बैटिंग किया था और 700 से अधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप भी अपने नाम किया था। डेविड वार्नर को अपने एग्रेसिव अंदाज और एक अच्छी और फास्ट शुरुआत देने के लिए जाना जाता है। डेविड वार्नर पर IPL 2019 में लगभग 10 करोड़ तक की बोली लग सकती है। विद दिस सेट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।